Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use nothing more than. Friends, comment box में कई लोग पूछते हैं कि nothing more than का क्या use है, यानी हम किस condition में nothing more than का use करेंगे. तो चलिए friends, आज के इस video में हम nothing more than का concept सीखें. Friends, nothing more than. If you say that someone or something is nothing more than a particular thing. You are emphasizing that they are only that thing and nothing more interesting or important. तो friends, nothing more than का use आप तब करते हैं जब आप किसी इंसान या किसी चीज पर focus करें और focus करते हुए आप बताएं कि वह आदमी या वह सामान सिर्फ वही है या केवल वही है, उसके अलावा उसमें और कोई दिलचस्प बात या और कोई खास बात नहीं है. लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें. फ्रेंड्स, नथिंग मोर देन का हिंदी और उर्दू मीनिंग केवल या सिर्फ होता है. कई बार इसका मीनिंग से बढ़कर नहीं या से ज्यादा नहीं होता है. जैसे अगर आपको कहना हो यह केवल एक अफवाह है या यह सिर्फ एक अफवाह है या यह एक अफवाह से बढ़कर नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग मोर देन अ र्यूमर. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह सिर्फ एक डॉक्टर है या वह केवल एक डॉक्टर है या अगर आपको ये कहना हो वह एक डॉक्टर से बढ़कर नहीं है या वह एक डॉक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज नथिंग मोर देन अ डॉक्टर. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं सिर्फ एक उस्ताद हूं या मैं केवल एक उस्ताद हूं या मैं एक उस्ताद से बढ़कर नहीं हूं, यानी कहने का मतलब है कि मैं एक उस्ताद से ज्यादा और कुछ नहीं हूं, तो आप कहेंगे आई एम नथिंग मोर देन अ टीचर. फ्रेंड्स, अगर आप कहना चाहें वह सिर्फ एक नजूमी है या वह केवल एक नजूमी है या वह एक नजूमी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज नथिंग मोर देन एन एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर मीन्स नजूमी या ज्योतिषी होता है. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम सिर्फ एक इंसान हो या तुम केवल एक इंसान हो या तुम इंसान से बढ़कर और कुछ नहीं हो, तो आप कहेंगे यू आर नथिंग मोर देन अ मैन. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि कोई आदमी या कोई चीज सिर्फ वही है, उसके सिवा और उसमें कोई दिलचस्प बात या खास बात नहीं है, तो आप नथिंग मोर देन का यूज करेंगे. आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर है या धोनी केवल एक क्रिकेटर है या धोनी एक क्रिकेटर से बढ़कर नहीं है, तो आप कहेंगे धोनी इज नथिंग मोर देन अ क्रिकेटर. उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट पर वीडियो जरूर बनाऊंगा. फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय. How to pronounce letter O? Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि letter O का आवाज कब क्या होगा. जैसा कि हम जानते हैं letter O का आवाज अ आ ओ ओ होता है, तो फिर कैसे समझें कि letter O का आवाज कब क्या होता है. तो आइए friends, letter O का आवाज सीखते हैं. Friends, जब दो consonant के बीच में O हो तो यहां ओ का आवाज आ होता है. जैसे आप देख सकते हैं यहां एक कॉन्सोनेंट है यानी टी आया हुआ है और यहां भी एक कॉन्सोनेंट है यानी पी आया हुआ है. तो ये दो कॉन्सोनेंट है और बीच में आया है ओ. तो इस तरह के वर्ड जहां ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो ओ का आवाज आ होता है. जैसे हम इसे कहेंगे टॉप, ये आ का मात्रा है, इसे हम खींच कर बोलेंगे. डॉग, बॉग, लॉस, फॉग, बॉस, मॉस,
प्लॉट क्लॉट डॉट स्लॉट कॉट नॉट रॉड बॉक्स लॉस्ट सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इन सभी में ओ का आवाज आ होता है। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आप समझे होंगे कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ का आवाज आ होता है। फ्रेंड्स अभी हमने सीखा कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ का आवाज आ होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर दूसरे कंसोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होता है। यानी अगर दो कंसोनेंट के बीच में ओ आया हो और दूसरे कंसोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दो कंसोनेंट है और उसके बीच में ओ आया हुआ है और दूसरे कंसोनेंट के बाद ई आया हुआ है तो यहां ओ का आवाज ओ होगा। हम इसे कहेंगे बोन, इसे कहेंगे होन, फोन, कोन, ड्रोन, नो, रोट, होप, ब्लॉक, पोप, रोप, ओट, नोट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ओ हो और दूसरे कंसोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होगा। आइए अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स वर्ड के लास्ट में आने वाले ओ का आवाज ओ होता है। यानी अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तो इस तरह के ओ का आवाज ओ होता है। जैसे गो नो सो जीरो हीरो गस्टो मेट्रो मोटो मेमो आचो डिचो ईगो सोलो। आइए फ्रेंड्स लेटर ओ का लास्ट रूल देखते हैं। फ्रेंड्स जब एक से ज्यादा वर्ड पार्ट वाले वर्ड के लास्ट में ओ आर या ओ आन हो तो ओ का आवाज अ होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जिसके लास्ट में ओ आन या ओ आर हो तो इस तरह के वर्ड में ओ का आवाज अ होता है। जैसा कि अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि सभी वर्ड्स के लास्ट में ओ आन ओ आर ओ आन ओ आर ओ आन ओ आर ओ आर आया है तो इन सभी वर्ड्स में ओ का आवाज अ होगा। जैसे लेसन इंस्पेक्टर रिबन ट्यूचर यूनियन ट्रेचर वॉरियर। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि लेटर ओ का आवाज आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मेरा टीचिंग आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एससी का साउंड क्या होता है या एससी का आवाज कैसे समझें। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं एससी का दो आवाज होता है, पहला स और दूसरा अस्क। तो चलिए एक एक करके देखें कि कब आपको एससी का आवाज स कहना है और कब आपको एससी का आवाज अस्क कहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जब एससी के बाद ई आई वाई हो तो एससी का आवाज स होता है। फ्रेंड्स मैंने यहां पर तीन एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप देख सकते हैं यहां पर एससी आया हुआ है और एससी के बाद ई आया है तो जब एससी के बाद ई आता है तो एससी का आवाज स होता है। हम इसे कहेंगे सीन। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एससी आया है और एससी के बाद वाई आया है तो जब एससी के बाद वाई आता है तो एससी का आवाज होता है स। हम इसे कहेंगे साइड। आप यहां देख सकते हैं एससी आया है और एससी के बाद आई आया है तो जब एससी के बाद आई आता है तो एससी का आवाज होता है स। हम इसे कहेंगे साइंस। तो फ्रेंड्स जब एससी के बाद ई आई वाई हो तो एससी का आवाज स होता है। आइए अगला रूल देखते हैं। जब एससी के बाद ए ओ यू हो या कोई कंसोनेंट हो तो एससी का आवाज अस्क होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहां पर एससी लिखा है और एससी के बाद आया है यू तो
तो जब एसी के बाद यू आता है तो एसी का आवाज अस्क होता है, हम इसे कहते हैं रेस्क्यू। आप यहां देख सकते हैं यहां एसी आया है, उसके बाद आया है ओ, तो जब एसी के बाद ओ आता है तो एसी का आवाज होता है अस्क, हम इसे कहेंगे स्कोर। यहां एसी आया है और एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो जब एसी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो एसी का आवाज होगा अस्क, हम कहेंगे स्क्रॉल। आप यहां देख सकते हैं एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रीन। यहां भी एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रैच। यहां एसी के बाद ए आया है और जब एसी के बाद ए आता है तो हम एसी का आवाज अस्क कहते हैं, यानी हम कहेंगे स्कैन। यहां भी एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है इसलिए एसी का आवाज अस्क होगा, हम कहेंगे स्क्रिप्ट। यहां एसी के बाद यू आया है तो जब एसी के बाद यू आता है तो एसी का आवाज अस्क होता है, हम कहेंगे स्कम। यहां एसी के बाद ए आया है इसलिए हम इसे स्केयर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया कि जब एसी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तो एसी का आवाज अस्क होगा। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखें। फ्रेंड्स आइए एसी का लास्ट रूल देखें। जब एसी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एसी का आवाज श होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं यहां पर एसी लिखा हुआ है और उसके बाद आई ओ यू एस आया हुआ है, तो यहां एसी का आवाज श होगा, इसे हम कहते हैं कासस। आप यहां देख सकते हैं यहां पर एसी लिखा हुआ है और एसी के बाद आया है आई ओ यू एस, इसलिए इस वर्ड का आवाज होता है लशस। आप यहां देख सकते हैं यहां एसी लिखा है और एसी के बाद आई ई एन आया है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर एसी के बाद आई ई एन आए तो एसी का आवाज श होता है और इसका आवाज है कॉन्शस। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया कि अगर एसी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एसी का आवाज श होगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो बताएं यहां एसी का आवाज क्या है, मतलब क्या यहां एसी का आवाज स या अस्क या श है, आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अभी शेयर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।